महल, मकबरा, मुगल सल्तनत दारुल हुकूमत, कब्रिस्तान, मस्जिद, आज सब कुछ है वीरान। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि शाह मुराद ने अहमदनगर को जीतने के लिए 3 बार जंग लड़ी और पहली जंग में वो हार गया। शिकस्त खाने के बाद शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना दिल्ली वापस नहीं गए और शाहपुर में डेरा डाले रहे और अपने लिए खूबसूरत महल बनवाया, पानी की भीड़ खुदवाई, मस्जिद भी बनवाई और शाहपुर में ऐसी बहुत सी इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि चांद बीबी से शिकस्त खाने के बाद शहजादा मुराद कसरत से मैं नौशी करने लगा और शहजादा मुराद की इस शिकस्त के बाद बहुत बदनामी हुई। यही बदनामी की वजह से शहजादा मुराद शाहपुर में डेरा डाले रहा और कसरत से शराब पीने लगा। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि शहजादा मुराद ने शाहपुर में शादी की थी और अपने लिए खूबसूरत महल बनवाए थे। शाह मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना दौलताबाद की राह से बरार में आए और कब्ज़े बालापुर से 5 कोस दूर शाह मुराद ने मन नदी के किनारे एक शहर आबाद किया और उस शहर का नाम शाहपुर रखा। मिर्ज़ा शहजादा मुराद शाह ने बहादुर खान फारूकी की दुख्तर से शहर शाहपुर में बड़े तकलीफ़ से शादी की और शादी का जश्न बहुत मुद्दत तक होता रहा। अकबर के बेटे शाह मुराद का बसाया हुआ शहर शाहपुर में हम एक एक इमारत देख चुके हैं और इस एपिसोड में हम मस्जिद के ताल्लुक से बात करने वाले हैं। आप मेरे पीछे ये मस्जिद देख रहे हैं। ज़माने हाल में इस मस्जिद का सिर्फ एक हिस्सा बचा है। हो सकता है ये मस्जिद अब्दुल रहीम खाने खाना या शाह मुराद ने बनाई होंगी। इस मस्जिद पर ना कोई कुतबा है, मस्जिद का हमें सिर्फ एक हिस्सा नज़र आता है, शाह मुराद का बसा हुआ शहर शाहपुर। चार सौ साल पुरानी मस्जिद अब पूरी तरह से गिर चुकी है। हमें सिर्फ मस्जिद का एक हिस्सा नज़र आता है। हमें वहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आया, इसलिए हम आपको दूर से ही दिखा रहे हैं। आप देख रहे थे इतिहास की गूंज शाहपुर एपिसोड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।